गाइस देखिए, ये हम अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं और ये हमारा ब्लाउज 38 नंबर है। आप देख सकते हैं साइज में हमारा 38 नंबर है। और इससे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लाउज को नाप लेंगे। हम ब्लाउज के कटिंग से कट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जिसमें हुक लगता है वो पट्टी को आप ले लीजिएगा और लास्ट पोजीशन तक, इस जगह तक जहाँ तक सिलाई हुआ घींच के देख लीजिएगा। ये 12 पर है तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर एक्स्ट्रा है, आधा इंच इधर सिलने में गया है, यानी 13 पे हम कट करेंगे। तो देखिए, हम 13 इंच ले लेंगे। देखिए, हम 12 इंच लिए हुए हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए ब्लाउज को। हम घींच के लेंगे यहाँ तक, लास्ट सिलाई के हम बात लेंगे। ऐसे मेरा सिलाई 11 इंच पर फिनिश है। देखिए, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा इधर होना चाहिए। हमारा 11 पर सिलाई है तो हम 12 इंच लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेंगे, तो हम 12 इंच ले लेंगे। देखिए, मेरा 12 है। बैक साइड को हम 16 लेंगे और फ्रंट साइड को हम 17 लेंगे। देखिए, फ्रंट साइड में हम बैक साइड में हम 16 ले लेंगे। आप देख सकते हैं 16 इंच, और उसके बाद फ्रंट साइड में हम 17 इंच लेंगे। कंधा के लिए हम 6 लेंगे, याद रखिएगा। बाजू के लिए 5.5 लेंगे, दोनों साइड का बाजू में 5.5 लेंगे। कंधा में से गला के लिए हम 6 लेंगे, 2.5 लेंगे। जो हम कंधा 6 लिए थे, हम गला 2.5 लेंगे। बैक गला मेरा 9 पर है, एक बार आप भी देख लीजिए। बैक गला हम 9.5 पर है तो 9.5 ले लीजिएगा। आगे के लिए हम 5 लेंगे। आगे गला भी नाप लीजिएगा, कंधा से टुकी के पास नापिएगा। देखिए, मेरा 5 है, आप भी 5 ले लीजिए। टुकी के लिए भी हम नाप लेंगे कि ऊपर से नीचे तक मेरा टुकी कितना में इंच में ज्वाइंट होता है। 12 है तो हम 13 ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सीने में गया है कपड़ा। आगे से हम नाप लेंगे, 6.5 पर मेरा टुकी है, 6.5 पर हम लेंगे। कखिया से हम 3 लेंगे, मिला लेंगे, और उसके बाद हम कट कर देंगे। तो कट हम इस जगह से करेंगे। सेम निशान जैसे जैसे हम लगाए हुए हैं वैसे वैसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये कपड़ा को हटा देंगे।
ये टुकी के नीचे पार्ट कटिंग हो गया। उसके बाद हम टुकी कट करेंगे। तो थोड़ा सा हम इस तरह में कट कर लेंगे और बैक साइड का हम आपको दिखा देंगे डिजाइन जब बनाएंगे तब। देखिए बैक साइड कट गया है, ये फ्रंट साइड का दो पार्ट कट गया है। अब रहा मेरा टुकी, तो ये जो मेरा टुकी कटा है इस टुकी को हम थोड़ा इससे हम ज़्यादा कपड़ा को कट कर इसे लेंगे। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा टुकी हम कट करते हैं 1 इंच, ताकि हमारा कपड़ा जो है सीने में जाए। सीने के बाद हम निशान इसी पे लगा लेते हैं, देख सकते हैं। देखिए इस जगह हम ऐसे कर लेंगे कपड़ा को, और टुकी को ये निशान को इस तरह हम लगाएंगे, और पहले इस निशान पर हम इस जगह चिन्ह लगा लेंगे। और उसके बाद हम 1/2 इंच के गैपिंग देते हुए दूरी दूर करके हम टुकी को निशान लगाएंगे। सेम वो इसी पर नहीं कट करेंगे, क्योंकि अगर सेम इस निशान पे कट करेंगे तो वहां जाके मेरा टुकी छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं हम टुकी बड़ा काट लिए हैं। आप नीचे भी एक बार मिला लीजिएगा पर टुकी बराबर में आया कि नहीं। उसके बाद हम कट कर लेंगे। देखिए हम टुकी कट कर लिए हैं और नीचे वाला पार्ट भी इसमें हम कट करेंगे, और इससे हम थोड़ा सा बड़ा साइज में रखेंगे ताकि हमारा उसमें जाके मैचिंग हो सके। जो हम निशान लगाए हुए हैं सेम वही निशान पर हम कट कर लेंगे। टुक्की ब्लाउज सॉरी अस्तर वाला ब्लाउज में पहले अस्तर कटिंग होता है, उसके बाद आपका कपड़ा कटिंग होता है। फोल्ड कपड़ा लेंगे, देखिए दो फोल्ड है, दो फोल्ड इसमें है, और यहाँ से हम निशान इस तरह करके हम लगा देंगे। और उसके बाद नीचे साइड हम कट कर देंगे। और इसमें हम एक काट पट्टी निकालेंगे।
अब हम क्या करेंगे, कपड़ा को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़ा को बैक साइड निकालते हैं। देखिए बैक साइड निकल गया। देखिए पहले हम बाजू निकल, बैक साइड, उसके बाद बाजू निकाल लिए। अब रहा इतना कटी कपड़ा बचा हुआ है, अब इसमें आपको फ्रंट साइड निकालना है, टुकड़ी निकालना है। देखिए कपड़ा कम है, बहुत कपड़ा कम दिया है, तो आपको इसी में से किसी तरह करके आपको निकालना है। देखिए टुकी लेंगे कपड़ा, पार्ट हम जोड़ के देखिए टुकी मेरा घट गया है। बहुत कम कपड़ा था, बाकी इसी में से बनाना था आपको हमको। तो ये डबल टुकी का, डबल कटोरी का नीचे वाला पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे। बाकी ये मेरा टुकी तो नहीं हो पाया, तो टुकी के लिए हम कपड़ा देख रहे हैं, दूसरा कलर मिला के डाल देंगे। एक टुकी ये हो जाएगा, एक टुकी आपको मेरा वीडियो कटिंग करना आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख के सीख सकते हैं। और आप जो बोले थे तो वो भी मैं आपका रिक्वेस्ट पूरा कर दूँगी। बाकी अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, अभी ज़्यादा ब्लॉज होने के कारण अभी आपका हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे दुर्गा पूजा ख़त्म होगा वैसे ही आपका हम कट के और